नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 9 मार्च को गलती से भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पर गिर गई थी। ऐसा मिसाइल के रास्ता भटकने के कारण हुआ। हालांकि ये मिसाइल जहां गिरी वहां किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान भारत पर जानबूझकर मिसाइल हमला करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे कि आखिर मिसाइल रास्ता कैसे भटक गई जो पाकिस्तान की जमीन पर जा गिरी। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ और ये पता चला है कि किसकी गलती से मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। दरअसल 9 मार्च को पाकिस्तान की जमीन पर गिरने वाली मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग की जांच वायुसेना मुख्यालय के एयर वाइस मार्शल को सौंपी गई थी। हालांकि अभी इस मामले की जांच जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया में ग्रुप कैप्टन रैंक के एक अधिकारी को दोषी माना जा रहा है। अधिकारी मिसाइल सिस्टम के मोबाइल कमांड पोस्ट के प्रभारी थे। उसी समय उनके घरेलू बेस पर कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन के दौरान आकस्मिक ये फायरिंग हुई। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि जांच को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा और अंतिम नतीजे पर उसके बाद ही पहुंचा जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि घटना की जांच कर रही एवीएम अत्यधिक योग्य है और वायुसेना मुख्यालय में संचालन की प्रभारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।